बनाना स्टार्ट शुरू कर दिया है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल अभी हो रहा है 8 बज रहा है सुबह को, और मैं रात को 4:30 बजे उठा, क्योंकि कल का जो वीडियो था थोड़ा एडिटिंग के लिए बाकी था, और एडिटिंग किया, फिर मैंने फाइल एक्सपोर्ट किया, उसके बाद बस वीडियो अपलोड करते करते 7:15 बज गई। बस उसके बाद मैंने गेल को पढ़ाया। बस अभी बस मैं उठ के थोड़ा फ्रेश हुआ हूँ, और फ्रेश होने के बाद अभी ब्लॉग स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करने के बाद अभी हम जाएंगे हॉस्पिटल बाबूजी को लेके, क्योंकि बाबूजी की जो कुत्ते ने काट लिया था बहुत दिन पहले, 25 दिन हो गया आज को, और आज का जो इंजेक्शन है वो लास्ट वाला इंजेक्शन है, लगवाएंगे बाबूजी को। बस चलते हैं हॉस्पिटल जल्दी जल्दी, और टाइम तो अभी हो रहा है 8:30, बस निकलते हैं अभी, 9 बजे तक इंजेक्शन लगेगा। तो चलिए अब चलते हैं। फाइनली रेडी हो चुके हैं हॉस्पिटल जाने के लिए, चलो अब चलते हैं, और गेलू भी हमारा साथ जा रहा है, चलिए निकलते हैं अभी। स्कूटी स्टार्ट कर चुका हूँ, बस अभी निकल रहे हैं हॉस्पिटल। देखिए अभी हम रास्ते पे गांव में जा रहे हैं, इस साइड कल का बारिश में थोड़ा पानी हो गया रास्ते के ऊपर। रास्ते का हालत देखिए कितना खराब है। फाइनली हॉस्पिटल से आके पहुंच चुके हैं घर, बाबूजी को इंजेक्शन लगवा के पहुंच चुके हैं। चलिए कट्टी बापा, नहीं 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 चकल 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 ये जति के लिए चकलेट जोड़ी रखूँगा। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक बिल भरवाने, गांव में आए इलेक्ट्रिक वाले, बस वो दुकान के पास बैठे हैं, सारे लोग वहीं पर दे रहे हैं इलेक्ट्रिक बिल, हम भी चलते हैं वहीं पर देने के लिए। चलिए चलते हैं इलेक्ट्रिक बिल दिलवाने। बस पहुंच चुके हैं इलेक्ट्रिक बिल दिलवाने, फाइनली इलेक्ट्रिक बिल चुका हूँ, निकलते हैं मेरे पास। बस गेहूँ के लिए चॉकलेट और ये लेके आ गया मैं, बस एक कुरकुरी क्या है, थोड़ा काम करना है मेरे को। बस पहुंच चुका हूँ इलेक्ट्रिक बिल भर के घर, और इलेक्ट्रिक बिल भर चुके हैं। चलिए देखते हैं घर में भाभी क्या कर रही है। जति उठ चुका है, वो सो रहा था, जति सो रहा था, और जति उठ चुका है, वो कभी ज्यादा टाइम नहीं सोता है। चलिए देखते हैं आज दोपहर में क्या बनाएगा भाभी। आज खाएंगे भाभी का हाथ का खाना, क्योंकि हमने कल से नहीं खाया है, और कल रात को भी मैंने कुछ नहीं खाया था, बस आज खाएंगे। सुबह भी अभी तक मैंने कुछ नहीं खाई, और बाबू जी को लेकर हॉस्पिटल गया था, मैंने रात को 3 बजे उठी, उसके बाद वीडियो एडिटिंग की कल का वीडियो, फिर एक्सपोर्ट किया, फिर अपलोड करते करते 7:30 हो गया। बस उसके बाद गेलू को पढ़ाया,
और गल्लू को पढ़ाने के बाद हॉस्पिटल गया बाबूजी को लेके, अभी पहुँचा हूँ। पहुँचने के बाद इलेक्ट्रिक बिल भरने गया था गांव के अंदर, और वहाँ से आई और अभी कुछ खाने की कोशिश करेंगे। मुझे ज़ोर से भूख लगी है, देखते हैं क्या है कि नहीं। भाभी ने शायद आज कुछ नहीं बनाया ब्रेकफास्ट में, खाएंगे मूढ़ी। और भूख लगी है, देखते हैं क्या खाना है। बस भाभी बना रहा है भात, देखिए चूल्हे में बना रहा है राइस। इतना बड़ा हंडा में वो कभी उसे उठा नहीं पाता, हमेशा मैं ही उठाता हूँ। बस भाभी ने बोल रहा है कि भात हो चुका है, थोड़ा जल्दी को पकड़ो। पकड़ते हैं जल्दी को, आज खाएंगे भाभी का हाथ का भात, दाल चावल और साग बनेगा शायद, साग बनेगा और सैलड खाते हैं। चलिए भाभी जी सारा मसाला रेडी करके ला चुके हैं, बस आज बनेगा दाल और कुंदरू आलू भुजा और साग। साग जो है वो पता नहीं वो कौन सा साग है, ये मम्मी जी से वो दूर से लेके आए हैं वो खेत के अंदर। और मैं जब गया था वो बाबूजी को लेके हॉस्पिटल, तो आने का टाइम देखा था वो कौन सा साग है, मम्मी को पूछा तो वो बोल रहा है कि कुछ दूसरा टाइप का नाम बोले, मेरे को याद नहीं है मेरे को, बस वही साग वो आज बनाएंगे। और वो ज़्यादातर वो जंगल में मिलते हैं, तो हमारा वो खेत के साइड एक बहुत बड़ा जंगल है, वहीं से लेके आए हैं। बस बाबू जी बस मसाला रेडी कर रहे हैं, तो ये देखिए मसाला में जीरा प्याज अदरक और सूखी मिर्ची, ये रहा हमारा कड़ी पत्ता और ये घी, ये टमाटर, बस ये सारा मसाला बाबू जी लेके आ गए हैं बस बनाने के लिए। कड़ी अभी पहले दाल बनाएंगे, उसके बाद बनेगा वो कुंदरू आलू भजा, फिर बनेगा वो बात दूसरा वाला साग, कौन सा साग मालूम नहीं, वही वाला साग बनेगा आज, पहाड़ी साग। आज वो जो साग है वो कौन सा साग मालूम नहीं, बस लगता है वो जंगल से आई है, और लगता नहीं और मम्मी जी तो लेके आए हैं जंगल से, बस जंगल का साग खाते हैं, देखते हैं क्या। मैंने कभी नहीं खाया वो वाला साग, बस पहली बार खाएंगे, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। अभी दाल बना रही है, देखिए पहले घी डाल दी, उसके बाद प्याज, फिर डाला अदरक और जीरा, ये हमारा घर का देसी खाना। बस दाल जो बनता है वो घी में ही बनता है, घी में थोड़ा स्वादिष्ट होता है और हेल्दी भी होता है। और हमारा घर में ज़्यादा वो जो क्या बोलते हैं रिफाइंड ऑयल वो ज़्यादा यूज नहीं करते, और क्योंकि वो जो तेल है उसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, इसलिए हमारा घर में जब दाल बनता है और जो स्वादिष्ट खाना बनता है तो वो घी से बनता है। ये देखिए एकदम घी, घी में बनाने से दाल बनाने से एकदम मस्त बनती है, स्वादिष्ट भी लगती है। ये जो दाल है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये जो दाल है ये मूंग दाल, मूंग दाल तो आप लोगों को पता ही होगा, मूंग दाल मस्त लगता है और घी में और ज़्यादा टेस्टी। फाइनली दाल बन के रेडी हो चुकी है, बस और भाभी बनाएगा कुंदरू आलू भजा। ये देखिए और मम्मी जी ये वाला साग लेके आए थे, वो हमारा खेत के पास जो जंगल है वहाँ से लेके आए थे, वो भी खाते हैं। लेकिन बस अब बनेगा कुंदरू आलू भजा, भाभी यहाँ पे बैठी है, देखिए
कुंदरू आलू और भिंडी सारे वेजिटेबल्स को मिला के एक भजा बनेगा। कुंदरू आलू और भिंडी की करी। बस भाभी बना रहा है साग, वो पहाड़ी साग, देखते हैं वो कैसा लगता है। बना रहे हैं बैठ के, बस आज खाएंगे जंगली साग। कौन सा वाला साग ये मालूम नहीं, मम्मी आने के बाद पूछते हैं। मम्मी ने बोला कि ये बहुत स्वादिष्ट लगता है और गांव के बहुत सारे लोग जाके लाते हैं वहां से साग, और मम्मी भी ये साग पहले बार लेके आई है क्योंकि गांव के दो चार औरतों ने वो साग तोड़ रहे थे, मतलब साग तोड़ रहे थे, तो मम्मी जी ने देखा तो वो भी लेके आ गए और देखते हैं। और मम्मी ने बोला था कि इसमें थोड़ा चीनी डालने के लिए, अगर चीनी डालते हैं, भाभी डाल रही है चीनी, और चीनी डालने से वो थोड़ा नरम हो जाता है और खाने को थोड़ा मीठी मीठी लगती है। भाभी दे रही है मेरे को साग थोड़ा टेस्ट करने के लिए, खाते हैं साग। और थोड़ा पीता पीता लगता है। थोड़ा लहसुन का टेस्ट है। चलिए, साग तो साग होती है। फाइनली नाव के रेडी हो चुके हैं और खाते हैं अभी लंच। लंच में बनी है दाल चावल और साथ में साग, जो पहाड़ी साग खाते हैं, और साथ में भिंडी आलू भजा खाते हैं। चलिए बाबा बाबा, देखिए सारा लोग खा रहे हैं अभी। बाबू जी तो खेत में गए थे, अभी आए और आने के बाद सब लोग मिल के खा रहे हैं। वहाँ पे दादी बस जल्दी तो मेरे साथ खा रहा है। ठीक ठाक लग रहा है। ये देखिए आप खा रहे हैं साग, राइस, मसाला दाल, ये भिंडी वाला भजा, बस खाते हैं। नपा
भाभी ने रोटी बनाना शुरू कर दिया है। बस ये डिनर के लिए रोटी भाभी बना रहे, इसमें आलू मटर खाएंगे। आज डिनर में खाएंगे रोटी और आलू मटर। ये देखिए आलू मटर करी और इस साइड में रोटी, बस खाते हैं। खाने के बाद स्टार्ट करते हैं एडिटिंग। चलिए पहले खा लेते हैं। फाइनली हो चुकी है डिनर टाइम, करते हैं डिनर। डिनर में बनी है रोटी और आलू मटर की करी, खाते हैं मस्त, फिर करेंगे एडिटिंग स्टार्ट। चलिए पहले खा लेते हैं फिर करेंगे एडिटिंग। हमें बोला है कि गेलू को खिलाने के लिए, आज पहले गेलू को खिलाते हैं फिर खाएंगे। फाइनली कर चुके हैं डिनर, एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना और अपना माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।